नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुल अग्रवाल आई डर्मा स्किन क्लिनिक रायपुर से आपका फिर से स्वागत करती हूँ। हर महिला की खुद की डेफिनेशन होती है आइडियल स्किन की। किसी को रिंकल फ्री स्किन चाहिए तो किसी की चाहे जीरो इम्परफेक्शंस की। पर मेरे लिए आइडियल स्किन मतलब कम से कम पोर्स, इवन टोन, अच्छा कॉम्प्लेक्शन और रेगुलर टेक्सचर। ये पाने के लिए आपको आपका स्किन टाइप पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर इंडिविजुअल का स्किन टाइप अलग होता है। मार्केट में अनगिनत ब्राइटनिंग सीरम्स, एंटी एजिंग क्रीम्स, जेल्स और लोशंस अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं कि जो प्रोडक्ट आपके रिलेटिव या फ्रेंड को सूट किया है वही प्रोडक्ट आपको भी सेम रिजल्ट दे। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी त्वचा को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट चूज करें, ना कि वो प्रोडक्ट जो कॉमनली मार्केट में अवेलेबल है। हमारा स्किन टाइप कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे गर्मी के मौसम में स्किन बहुत ऑयली हो जाती है और ठंड के मौसम में एक्सेसिवली ड्राई। कुछ मेडिकेशंस जैसे कि रेटिनॉल आपकी स्किन को थोड़ा ड्राई और बेजान कर सकते हैं। पॉल्यूशन और डस्ट के एक्सपोजर से स्किन थोड़ी रेड, फ्लेकी और सेंसिटिव हो सकती है। बढ़ती उम्र के साथ बॉडी का ऑयल सिक्रेशन कम होने लगता है, जिसकी वजह से स्किन डिहाइड्रेटेड और ड्राई हो जाती है। इसी के साथ एज स्पॉट्स और रिंकल्स भी ज्यादा दिखने लगते हैं। हॉर्मोनल चेंजेस आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे कि पीसीओडी। ये हॉर्मोनल चेंजेस बॉडी में ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से फेस एक्सेसिवली ऑयली होने लगता है। हमारे फेस में दो जोन होते हैं, टी जोन और सी जोन। टी जोन में फोरहेड, नोज और अपर चिन और थोड़ा सा चीक का पार्ट भी इंक्लूडेड होता है। सी जोन में इस पार्ट को छोड़कर बाकी चीक, जॉ लाइन और चिन होता है। अपना स्किन टाइप जानने की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले इन दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला, अगर आपने कोई मेकअप किया है तो उस मेकअप को रिमूव करके ही इस प्रक्रिया को शुरू करें। और दूसरा, प्रोसीजर के दौरान हीटर या एसी का इस्तेमाल ना कर फैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट की वजह से आपका स्किन टाइप डिटर्मिन करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। स्किन टाइप जानने के लिए अपने चेहरे को सोप फ्री क्लेंजर से अच्छे तरीके से वॉश करें। वॉश करने के बाद चेहरे को टिश्यू पेपर से अच्छी तरह डैब कर ड्राई करें। ड्राई करने के बाद चेहरे को एक घंटे तक में वेट करना है। इस एक घंटे के दौरान अपने हाथों को चेहरे से टच ना करें, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में ऑयल सिक्रेशन होता है, इंक्लूडिंग आवर हैंड्स। आप अगर हाथों को बार बार टच करते रहेंगे तो आपके हाथों का ऑयल चेहरे पे लगेगा और स्किन टाइप डिटरमिन करने में थोड़ी मुश्किल होगी। इस एक घंटे में आपका स्किन अपने नेचुरल स्टेट में आ जाएगा और आपका स्किन टाइप डिटरमिन हो जाएगा। नॉर्मल स्किन में एक घंटे बाद थोड़े से पोर्स विजिबल हो सकते हैं, पर ना स्किन ऑयली होगी और ना ड्राई। ड्राई स्किन एक घंटे बाद भी थोड़ी खिंची और रूखी महसूस हो सकती है। ऑयली स्किन में पोर्स थोड़े बड़े दिखेंगे और टी जोन और सी जोन दोनों ऑयली होगा। स्ट्रेस, ह्यूमिडिटी, एक्सेस हीट और हार्मोनल चेंजेस इस स्किन टाइप में ऑयलीनेस चेहरे का थोड़ा ज्यादा बढ़ाते हैं। कॉम्बिनेशन स्किन में टी जोन ऑयली होगा पर सी जोन बिल्कुल नॉर्मल। सेंसिटिव स्किन में एक घंटे बाद भी जलन, लालपन, खुजली और रूखापन बना रहेगा, क्योंकि कुछ रीजंस की वजह से हमारा स्किन टाइप साल भर सेम नहीं होता और चेंज होता रहता है। इसीलिए इस प्रक्रिया को साल में 4 से 5 बार तक रिपीट करें और अपनी त्वचा की करंट सिचुएशन के हिसाब से ही अपने प्रोडक्ट का सिलेक्शन करें। आई होप इस वीडियो से आपको आपके स्किन टाइप के बारे में जानकारी मिली है। अगर इससे संबंधित आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या आगे दिए हुए नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। सी यू सून।